ये क्वेश्चन ऐसे देखा उन्होंने, अरे ये क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा, कैसे बना लूंगा नहीं पता, उन्हें लगता है कि बना लूंगा, आंसर नहीं आएगा जब सॉल्व करने चलेंगे तो, पर उन्हें लगता है कि वो कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कई बार जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसमें मैथमेटिकल रिगर होता है, आपको मैथमेटिक्स करनी ही पड़ती है, अगर आप घबरा के छोड़ देते हो तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। ऐसे मैथमेटिकल रिगर वाले क्वेश्चंस मैंने देखा है प्रायः हर साल एक दो होते ही होते हैं। आज एक इसी कैटेगरी का क्वेश्चन हम लेंगे जो शायद सुनने में बहुत कठिन न लगे आपको, पर जब आप मैथमेटिक्स करने जाते हो तो एक बार डावाडोल होते हो कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग उसको बीच रास्ते में छोड़ देंगे, आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। अ ब्लॉक विथ ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल ग्रूव रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस वाइट सरफेस इज रफ, ब्लू कलर्ड ऑब्जेक्ट इज द ब्लॉक एंड इट हैज गॉट ए स्मूथ ग्रूव, दिस हेमिस्फेरिकल ग्रूव दैट इज कट इनसाइड द ब्लॉक। This surface is rough and the coefficient of friction is mu here between the blue block and the white surface. Mass of the block is M. Mass of this blue block is capital M. A small object of mass is small m. This yellow colored object is a small object. It has mass small m. It is released from top inside the groove and it slides down into it. This object is released from this point and it slides along the groove. What is the maximum value of M by M for which the block means blue block, never slides on the horizontal surface? When this yellow colored object moves through this groove, this block has a tendency to move. Now, what is the maximum ratio of these two masses so that the blue colored block actually never moves on the white surface? My screen se hat ja raha hu. Aap ek bar is question ka screenshot le lijiye. खुद से जरूर ट्राई कीजिए और फील कीजिए कि इसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, और आप, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है कि मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए शायद अभी आसान हो गया, आप इसको थोड़ी देर तक तो ट्राई कर ही सकते हैं। फिर से मैं याद करा दूं, ये सरफेस स्मूथ है और ये रफ है, ये ब्लू ब्लॉक चल सकता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन क्या होगा। मैंने सिचुएशन लिया है जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके कुछ नीचे आ चुका है, ये ब्लू ब्लॉक वी आर अज्यूमिंग कि ये नहीं चला है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल एम बाई कैपिटल एम की वैल्यू बताओ जिससे ये ब्लू ब्लॉक न मूव करे। तो आई एम अज्यूमिंग कि ब्लू ब्लॉक इज नॉट मूविंग, दिस येलो कलर्ड ब्लॉक हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन इन साइड दिस ग्रूव, इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, राइट? नाउ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस येलो कलर्ड ब्लॉक आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द ब्लू सरफेस एंड देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। सो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर ए बेटर क्लैरिटी। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज mg, राइट? दीज आर two forces acting on this small block, there is no other force, there is no friction there. So if this is not moving, this is not moving and this is sliding like this, then it is simply moving in a circular path. So the net force towards the center on this yellow colored object can be written as n minus component of mg in that direction, and that force should be equal to mv square by, right? उस इक्वेशन से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, पर वो इक्वेशन लिखने के लिए हमें v स्पीड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। गौर करना, यहां फ्रिक्शन है पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी नहीं चला है, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब ब्लू ब्लॉक नहीं चला है। सिर्फ येलो कलर्ड ब्लॉक के एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रहा है, यहां से यहां तक ये आया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई और वही बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली ये कितना हाइट नीचे आया है, देखिए दिस इज आर, दिस थीटा, सो दिस लेंथ इज नथिंग बट आर साइन थीटा। सो ये आर साइन थीटा नीचे आ गया, एम जी एच एम जी आर साइन थीटा इसकी लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का, दिस हैज बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस समय इस ब्लॉक की जो स्पीड है
दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. जैसा कि अभी मैंने कहा कि n माइनस कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन इज mv स्क्वायर बाय r, तो हमें v की नहीं mv स्क्वायर बाय r की जरूरत पड़ेगी. तो यहां से डायरेक्टली mv स्क्वायर बाय r की ही वैल्यू लिख लेते हैं, mv स्क्वायर बाय r इज 2mg sin थीटा. ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स को अगर आप मार्क करते हो सॉल्यूशन करते समय, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाती है. पहले v निकालो, फिर लास्ट में जाके mv स्क्वायर बाय r में v पुट करो. उससे अच्छा है कि एंटिसिपेट करके रखो कि मुझे जरूरत mv स्क्वायर बाय r की है, v की जरूरत नहीं है, तो सीधा mv स्क्वायर बाय r ही निकाल लो. ओके, अब हम यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं. n माइनस कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन. आप खुद से देख लो, mg का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, दैट इज mg sin थीटा. तो n माइनस mg sin थीटा, दैट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इन प्लेस ऑफ mv स्क्वायर बाय r आई विल राइट 2mg sin थीटा. So this will give me value of normal reaction, which is 3mg sin theta. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये छोटा ब्लॉक थीटा एंगल से घूम चुका होगा, तो ये ब्लू ब्लॉक इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, उसकी ये वैल्यू है. आप सभी समझते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये येलो कलर्ड का ब्लॉक भी ब्लू ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, इतना ही बड़ा, 3mg sin theta. अब आप ब्लू कलर के ब्लॉक के बारे में सोचना शुरू करो, ये पीला ब्लॉक उसको धकेल रहा है विद द फोर्स ऑफ 3mg sin theta. इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसी फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है, राइट? इस n का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्लियर? और इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? ये फ्रिक्शन. किसी भी पॉइंट पे जब ये फिसल रहा है, फिसल रहा है, फिसल रहा है, n का ये कंपोनेंट अगर फ्रिक्शन की पीक वैल्यू से बड़ा हो गया, तब ये ब्लू ब्लॉक चल पड़ेगा. और अगर n का ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहीं पे भी, यहां से यहां तक कहीं पे भी फ्रिक्शन की पीक वैल्यू से बड़ा नहीं हुआ, तो ये ब्लू ब्लॉक नहीं चलेगा. हमें इतना ही समझना है. तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा क्लमजीनेस इसलिए है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा, n चेंज होगा, n का ये कंपोनेंट भी वेरिएबल है, बदल रहा है. और मजेदार बात यह है कि ये फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी बदल रही है. क्यों? क्योंकि ये जो n है, जो पीले ब्लॉक ने ब्लू ब्लॉक पे लगाया n, n का ये कंपोनेंट भी बदल रहा है, राइट? ये कंपोनेंट भी बदल रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो. सो नेचुरली n का कंपोनेंट n cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो भी बदल रहा है, और पीला ब्लॉक जो इस पे वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, n का ये कंपोनेंट n sin थीटा वो भी बदल रहा है. तो इस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू भी बदल रही है, क्योंकि इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बदल रहा होगा, बिकॉज इस n का ये कंपोनेंट बदल रहा है. तो हम इस जनरल पोजीशन थीटा पे वापस आते हैं, जहां नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 3mg sin थीटा. अब यहां पे फ्रिक्शन, एक्चुअली एक मिनट, क्लैरिटी के लिए मैं इसको हटा देता हूं एक बार फिर से. ये नॉर्मल रिएक्शन है जो छोटे ब्लॉक ने बड़े ब्लॉक पे लगाया है, ठीक है? फ्रिक्शन को ऑलरेडी दिखाया गया है. फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लू कलर्ड ब्लॉक, for all values of theta, for all values of theta, this condition must be satisfied. What is this condition? n cos theta must be less than or equal to peak value of friction, limiting value of friction, जिसको मैंने f max लिखा है. Friction की जो maximum value है उससे छोटा होना चाहिए इसको, तो blue block नहीं चलेगा. अब n cos theta, n की जगह ये जो निकाला था आपने 3mg sin theta, सब्स्टिट्यूट कर दो, cos theta लिख दिया. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे? mu into n, where n stands for normal reaction at this surface. अब इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बच्चों? ब्लू ऑब्जेक्ट को अगर कंसिडर करें तो उसका वेट कैपिटल mg, कैपिटल mg, और n का ये वाला कंपोनेंट जो कि है n sin theta, n sin theta plus capital mg, ठीक है? कैपिटल mg प्लस n sin थीटा, यह है n, इसमें एक sin थीटा लगाया, n sin थीटा प्लस कैपिटल mg इनटू म्यू, यह फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है. तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए यह ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई होती. थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होने से ब्लू ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा. इसको मैंने वापस से यहाँ पे सेम चीज को लिख दिया है, ये जो अभी आपने इक्वेशन देखा था उसको वापस से यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसको हम अब ऐसा लिख लेते हैं. देखिए,
मैं एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ, फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वेयर एफ थीटा इज नथिंग बट दिस माइनस दिस, राइट। इसको इधर उठा के कर दिया एंड दैट होल थिंग हैव रिटन एज एफ, एफ इज फंक्शन ऑफ थीटा, दिस होल थिंग हैज बीन टेकन एज फंक्शन ऑफ थीटा। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि ये जो एफ थीटा है इट शुड बी लेस देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, बिकॉज हमारा जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सो दिस होल थिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस शुड बी, ओहो जस्ट अ मिनट, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन ओनली द ब्लू ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। So for all values of theta, this should be less than or equal to zero. What does it tell you? It tells me कि इस चीज की जो maximum possible value है, I don't know why it is behaving like this. इस चीज की जो maximum possible value है बच्चों, वो zero से कम होना चाहिए, zero या zero से कम होना चाहिए. That means ये quantity basically negative होनी चाहिए. That is what I am saying. तो इसकी theta के किसी value के लिए maximum है. वो maximum value भी अगर zero से कम है, तो ऑब्वियसली थीटा की हर वैल्यू के लिए ये जीरो से कम है, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो मींस थीटा के जिस वैल्यू पे मैक्सिमम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो भी जीरो से कम होनी चाहिए। तो थीटा के किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा ये जानने के लिए ऑफकोर्स आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दोगे, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट इज इंप्लाइड बाय दिस इक्वेशन। So I have differentiated this f dash theta df by d theta. So if you differentiate this and equate it to zero, why I am doing this? क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि इसकी जो maximum value है वो कितनी है, that should be less than or equal to zero. इसकी maximum value कैसे पता लगेगी, पहले पता लगाना होगा theta के किस value पे maximum है, तो उसके लिए इसको differentiate करके पहले zero किया, ये mathematics मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लेना, ऐसे कर लेना, ये साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको भी वैसे कर सकते हो, ये तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा, उसको भी साइन 2 थीटा लिख देना बाद में आगे चल के, ठीक है। ऐसा लिख के डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करो, दिस विल गिव यू टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपको ये पता चल गया कि किस एंगल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो म्यू की वैल्यू 1 है, तो tan 2 थीटा इज 1, 2 थीटा इज 45 डिग्री, थीटा इज 22.5 डिग्री। इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू थीटा की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम है, और हम चाहते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी जीरो है, जीरो से कम। तो अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी जब हम थीटा की जगह ये सब्सटीट्यूट करें, तो ये सब्सटीट्यूशन भी बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी आप फिर से साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख दो और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिख दो, तो पूरे एक्सप्रेशन में थीटा नहीं सिर्फ 2 थीटा ही रह जाएगा। अब टैन 2 थीटा 1 बाय म्यू है तो साइन 2 थीटा तुम जान लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हो, ये सब उठा के वहां सब्सटीट्यूट कर दो। तो थीटा की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन ए टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस शुड बी लेस देन जीरो। ये सब्सटीट्यूशन करके आप जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसको लेस देन और इक्वल टू जीरो करो, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस एज योर आंसर। दिस गिव्स m बाय m शुड बी लेस देन 2/3 म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस। तो ये मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी टू गेट दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन ये सब मैथमेटिक्स के स्टेप मैंने, ये छोटा लग रहा है क्योंकि नहीं किए हैं आप खुद कर लेना। मैं सिर्फ ये एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ती है, और आप ऐसे में यहाँ से यहाँ 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 जाते जाते डामाडोल होने लगते हो कि इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी होगा, होते हैं कई बार होते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो अब कॉन्फिडेंट हो कि रास्ता सही जा रहे हैं तो करो, वही सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन एंजॉय किया, खुद से ट्राई करोगे तभी एंजॉय करोगे, सिर्फ वीडियो को फिल्म की तरह देख लोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब तुम खुद ट्राई करते हो ना तब फंसते हो, और तब मेरी बात सुनते हो तब समझ में आता है कि अच्छा इसके चक्कर में मैं फंस रहा हूँ, तब तुम एंजॉय करते हो। ये वीडियो को फिल्म की तरह देख लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करना है, इससे तुमने कुछ नहीं सीखा।
समझ गए। तो प्लीज क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशन देखो, तब समझोगे कि क्वेश्चन में क्या एंट्री कैसी थी, क्यों मुश्किल था और क्या सीखा इस क्वेश्चन से। सुपरफिशियली देखने से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बस वीडियो में दो मिनट तक देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बन जाएगा हमसे, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे देखा उन्होंने, अरे ये क्वेश्चन तो मैं बना लूँगा, कैसे बना लूँगा नहीं पता, उन्हें लगता है कि बना लूँगा, आंसर नहीं आएगा जब सॉल्व करने चलेंगे तो, पर उन्हें लगता है कि वो कर लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, देखिए तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आपके ट्राई करने के लिए, मेरे लिए नहीं है, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।